श्रीलंका के जब 240 रनों के जाम में गिल और कप्तान रोहित शर्मा ने सिर्फ 13 ओवरों में 90 रन जड़ दिए। पावर प्ले के पहले ही 10 ओवरों में 75 रन बना डाले। कप्तान रोहित शर्मा ने फिर एक बार पावर प्ले में ही अपना अर्धशतक पूरा किया। तो एक पल के लिए हम इंडियन फैंस को ऐसा लगा कि आज इंडियन टीम का मूड अलग है। ये वही वर्ल्ड चैंपियन टीम है जो अभी कुछ दिनों पहले ही T20 वर्ल्ड कप जीत के आई है। लेकिन दोस्तों, आप सभी ने वो एक कहावत तो सुनी होगी ना कि नाम बड़े दर्शन छोटे। भारतीय टीम के साथ लगातार पिछले 2 वनडे मैचों से बस यही हो रहा है कि भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन के नाम तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन जब रन बनाने की बात आती है तो छोटे छोटे बनाते हैं। इस मैच के मिडिल ऑर्डर की कहानी जरा सुन लीजिए आप। हमारे टीम के किंग विराट कोहली 14 रन, शिवम दुबे एक बार फिर से ले डूबे 0 पे। अक्षर बाबू ने थोड़ा रन बनाए लेकिन भारतीय टीम को जिता ना सके। श्रेयस अय्यर 7 रन, KL राहुल दूसरे गेंद में अंडा देके निकल लिए। वाशिंगटन सुंदर इन्होंने भी कुछ देर रन बनाए लेकिन अपनी टीम को जिताने में नाकाम रहे। और इन धुरंधरों के अलावा बाकी लोअर ऑर्डर से उम्मीद करना तो नाइंसाफी है, क्योंकि आज के मैच में बॉलर्स ने तो ऑलरेडी अपना काम कर दिया था। आज जब 240 रनों के कम स्कोर पर लंका वालों को रोका गया था तो हम सभी को एक उम्मीद थी कि ये मैच हम जीत जाएंगे। और रोहित शर्मा की अटैकिंग बल्लेबाजी देख के हमें ऐसा लगा भी कि रोहित शर्मा इस मैच को जल्दी ख़त्म कर देंगे और ये मैच भारत को जिता देंगे। लेकिन फिर एक बार जब रोहित शर्मा आउट हुए तो फिर अचानक से हमारे बल्लेबाजों ने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। और वो फॉर्मेट जो विराट कोहली को सबसे ज़्यादा सूट करता है, सुमन गिल, श्रेयस अय्यर और KL राहुल को सूट करता है, इन सभी बल्लेबाजों के बारे में सदैव ही यह कहा जाता है कि ये सभी बल्लेबाज आराम से टुकुर टुकुर रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। और इस मैच में इंडिया को तो सिर्फ 240 रन ही चाहिए थे और इस मैच को जीतने के लिए 5 रन से भी कम का ओवर रन रेट लेके चलना था। लेकिन जवाब में क्या हुआ, श्रीलंका ने भारत को दूसरे वनडे मैच में 32 रनों से हरा दिया और भारतीय टीम पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाई। सिर्फ 42 ओवरों में ही पूरी भारतीय टीम ढह गई। जितने ओवरों में हमको ये मैच जीतना चाहिए था उतने ओवर में हम ये मैच हार गए। तो दोस्तों, आज के वीडियो बस यहीं तक। आपको कैसे लगी हमारी वीडियो अपनी राय ज़रूर दें। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय गाइस।